गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं नीतू और आज मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूं द पोएम फोक। और फोक के बाद हम करेंगे इसी की पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो बने रहिए मेरे साथ, लास्ट तक वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फोक, फोक इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। जो पोएट है इनके इस पोएम के वो है कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग वॉज एन अमेरिकन पोएट। ही वॉन 3 पुलिट्ज़र प्राइजेस, 2 फॉर हिज पोएट्री एंड 1 फॉर द अब्राहम लिंकन्स बायोग्राफी। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। पोएट कहते हैं कि फोग आती है छोटी बिल्ली के पैरों पर। फोग, फोग जो कि कोहरे को कहा जाता है। तो कोहरा जो है बिल्कुल बिल्ली की तरह साइलेंटली और स्लोली आता है, बिल्कुल शोर नहीं मचाता। आंधी तूफान की तरह उसमें कोई शोर नहीं होता। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। यह बंदरगाह के ऊपर बैठकर सिटी को, बंदरगाह को देखती रहती है ऊपर से। ओन इट ओन साइलेंट हंचेस। हंचेस होते हैं बेटा बैकफुट, बैकफुट पर बैठना कहलाता है हंचेस। जिस प्रकार से बिल्ली अपने पिछले पैरों पर बैठती है उसी प्रकार से जो फोग है वो भी बैठ जाती है अपने पिछले पैरों पर और हार्बर और सिटी को देखती रहती है। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चली जाती है। तो बस इतनी सी पोएम थी हमारी कार्ल सैंडबर्ग की, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है क्योंकि यहाँ पर जो पोएट है वो हमें बता रहा है कि फोग किस प्रकार से आती है। एक नेचुरल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार से शहर और हार्बर में फोग कमिंग करती है। तो फोग की कंपैरिजन कैट से की गई है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। फोग को पर्सोनिफाइड किया गया है, उसका मानवीकरण किया गया है, उसे एक लिविंग बींग के तरह बताया गया है कि कैसे वो चलती है, कैसे वो आती है, कैसे बैठती है और कैसे चली जाती है। तो इस प्रकार से पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच और मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुआ है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देख सकते हैं हंचेस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सिटिंग ऑन द बैक फीट, पिछले पैरों पर बैठना, उस स्थिति को कहा जाता है हंचेस, हंचेस। और फिर वो मोजोन हो जाती है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। पोएट सबसे पहले आप लिखेंगे कार्ल सैंडबर्ग वॉज एन अमेरिकन पोएट। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। कार्ल सैंडबर्ग जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे और ही वॉन 3 पुलिट्ज़र प्राइजेस। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे फोग इज वेरी स्मॉल पोएम रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग द्वारा लिखी गई। इन दिस पोएम ही हैज डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ फोग इनटू अ सिटी। फोग इज कंपेयर्ड टू अ कैट। और इन दिस पोएम पोएट सेज द फोग इज कमिंग लाइक अ कैट। कैट एक कैट की तरह आती है वेरी साइलेंटली एंड वेरी स्लोली एंड इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी एंड देन मूव्स ऑन। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है मैंने नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम और पोएट का नाम बताइए, तो आप बहुत इजी है, आप सभी बता देंगे। द पोएम फोग इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। द हाउ डज फोग कम, फोग कैसे आती है। फोग कम्स लाइक अ कैट वेरी स्लोली एंड वेरी साइलेंटली एंड व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू। इट रेफर्स द फोग। और इफ वी टॉक अबाउट फिगर ऑफ स्पीचेस, तो 3 फिगर ऑफ स्पीचेस आर यूज हियर, पर्सनिफिकेशन, मेटाफर। और अगर वर्ड्स की बात करें तो इट इज अ फ्री वर्ड्स पोम, कोई भी राइमिंग स्कीम यहाँ पर यूज नहीं किया। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम लॉकडाउन के दौरान जब स्कूलों में नहीं जा रहे हैं तो घर बैठकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।